हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज ऑल थिंग्स फॉर यू। दोस्तों, कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप, जिससे करोड़ों भारतीयों की फेवरेट ऐप टिकटॉक, ब्यूटीक्यूएम जैसे 59 चाइनीज ऐप को फाइनली बैन कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर क्यों गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया और इसकी जगह में हम कौन सी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखें एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समय से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। खासकर LAC पर गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प के बाद देश में चीनी सामानों का बहिष्कार की मांग तेज हुई है। हमें कैसे पता चला कि चाइनीज ऐप हमारा डेटा यूज कर रही है? हाल ही में ट्विटर यूजर ने ट्विटर में एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वो अपने इंस्टाग्राम में कुछ टाइप कर रहा होता है और लगातार नोटिफिकेशन आता है कि टिकटॉक पेस्टेड फ्रॉम इंस्टाग्राम। यह नोटिफिकेशन इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि यह यूजर iOS 14 का बीटा वर्जन में है और iOS 14 के बीटा वर्जन में यह नोटिफिकेशन आता है अगर क्लिप बोर्ड को एक्सेस कर रहा है। और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को लगातार नागरिकों से कंप्लेंट मिल रही थी। इसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन IT की तरफ से जारी बयान में लिखा गया कि यह भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करते हैं। भारत ने IT एक्ट 69A और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2009 के तहत 59 चाइनीज ऐप को बैन करने का निर्णय लिया। भारत सरकार ने कहा, यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट यूजर के हितों की रक्षा करेगा। यह निर्णय भारतीय सुरक्षा, स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए एक लक्षित कदम है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अल्टरनेटिव ऐप्स की। मैं आपको कुछ पॉपुलर चाइनीज ऐप के अल्टरनेटिव ऐप्स बता रहा हूँ। आप शेयर इट, जेंडर की जगह जियो स्विच, फाइल्स बाय गूगल, शेयर ऑल डाउनलोड कर सकते हैं, कैम स्कैनिंग की जगह एडोबे स्कैन, माइक्रोसॉफ्ट लेंस, डॉक्स स्कैनर डाउनलोड कर सकते हैं, UC ब्राउजर की जगह जियो ब्राउजर, फायरफॉक्स या क्रोम कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो लाइक की जगह रोपोसो मित्रों या यूट्यूब इंस्टा डाउनलोड कर सकते हैं, और जूम की जगह सी नमस्ते, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मैट, और क्लब फैक्ट्री की जगह फ्लिपकार्ट, अमेजन, और यू डिक्शनरी की जगह इंग्लिश डिक्शनरी, पैरल स्पेस की जगह ऐप क्लोनर, क्लोन ऐप, ऐप क्लोनर एंड डुअल ऐप, वाइवा वीडियो की जगह फोन वीडियो किंग मास्टर, और ब्यूटी प्लस की जगह लाइट एक्स फोटो एडिटर या B1612 कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, खतरा अभी टला नहीं है। चाइना ने साइबर अटैक नाम का परमाणु बम छोड़ रखा है। हमने बहुत सारी वीडियो में देखा कि लोग बोल रहे थे कि चाइनीज ऐप को अनइंस्टॉल कीजिए, बट जिन्होंने अभी भी चाइनीज ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है उनका डेटा अभी भी ऐप के सर्वर में स्टोर है, जिससे उन्हें साइबर अटैक से होने वाला खतरा हो सकता है। साइबर अटैक से आप कैसे बच सकते हैं, उसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसे आप देख के आप अपने आप को साइबर अटैक से सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरे वीडियो सबसे पहले देखिए। थैंक यू।